दुश्मनाय के धरो गुरु जी का ध्यान आज सभा के बीच में माँ आई बतइयो हरिलाल की जय। देखिए कितना सुहाना मौसम है और यहाँ साक्षात वृंदावन दिख रहा है। व्यास जी के श्री मुख से आप श्री मद भागवत कथा की वर्षा रसपान कर रहे हैं। कितना सुहाना अवसर है और ऐसे मौके जीवन में कभी कभी मिलते हैं। सुनेंगे सुबह का समय था। एक साहब सुबह ही सुबह अपने घर से निकल पड़े हैं बाबूजी। एक साहब घर से चले तो नजर अंधे पर पड़ी, एक हाथ में थी लाठी तो दूजे हाथ में बंधी घड़ी। एक सामने से सूरदास जी आ रहे थे, उनको देखा। बाबूजी बेचैन हो गए कि ये आंखों से अंधा है और एक हाथ में लाठी है और दूसरे हाथ में घड़ी बांध रखी है, ये कैसे देखेगा। साहब बोले सूर जी एक बात बताइए, आपने हाथ में घड़ी बांध रखी है, इसका मांजरा क्या है। तो सूरदास जी कह रहे हैं चल इस घड़ी को छोड़ दे और ये तो हटा ली जाएगी, पर उस घड़ी को छोड़ दे वो कैसे टाली जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए आइए, एक ब्रज गोपी और कन्हैया की दीवानी हो जाती है और किस तरह से कह रही है। अरे मैं भाई दीवानी श्याम की, अरे मोए और न कछु सुहाए, मैं वृंदावन जाऊंगी। पुरस्कार रविंदर और विजेंदर, ये दोनों भाई 50 रुपए दान करते हैं बार बार, धन्यवाद।
आइए एक प्यारा सा भजन